हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर भूषण्स बायोलॉजी। आज हम अपने इस चैनल में एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है बीटी। तो बीटी क्या है? जनरली हमने सुना है बीटी कॉटन के बारे में, तो ये बीटी क्या होता है? तो बी स्टैंड्स फॉर बेसिलस, टी स्टैंड्स फॉर थुरिंजियंसिस। अभी सबसे पहले इसको किसने आइसोलेट किया है? एक जापान के बायोलॉजिस्ट ने इसको आइसोलेट किया है, उनका नाम था शिगेटेन इशिवाटरी। इन्होंने 1901 में इसको आइसोलेट किया है, किसको? बेसिलस थुरिंजियंसिस को। अभी बीटी कॉमनली एब्रिवेटेड बेसिलस थुरिंजियंसिस, ये क्या है? बीटी एक ग्राम पॉजिटिव फैकल्टेटिव एरोबिक रॉड लाइक मोटाइल एंड स्पोरुलेटिव बैक्टीरियम है। ये कहाँ पे रहता है? ये सॉइल में रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है सॉइल बॉर्न बैक्टीरियम। अभी ये यूबिकिटस इन नेचर है। यूबिकिटस मीन्स वंस फाउंड वर्ल्ड वाइड, फाउंड एवरीवेयर, फाउंड वर्ल्ड वाइड, इसको हम बोल सकते हैं यूबिकिटस इन नेचर। ये बैक्टीरिया जो है एक स्पेसिफिक टाइप का एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस किया करता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल्स ऑफ एंडोटॉक्सिन, और उसको ही बोला जाता है क्राई प्रोटीन और डेल्टा टॉक्सिन। ये जो टॉक्सिन है ये इंसेक्ट के लिए क्या है? टॉक्सिक है। टॉक्सिक कैसे है? उसके लार्वल स्टेज में ये टॉक्सिक है। इट इज अ टॉक्सिक टू इंसेक्ट मेनली इन देयर लार्वल स्टेज, इसलिए इसको कहा जाता है इंसेक्टिसाइड्स। अभी जो ये क्राई प्रोटीन है या फिर इसको क्रिस्टल प्रोटीन कहा जाता है, आर इंसेक्ट स्टमक पॉइजन। अभी ये स्टमक पॉइजन कैसे है ये भी हम देखने वाले हैं। जब भी इंसेक्ट इसको खाते हैं तो 2 घंटे में, जब भी इन्होंने इसका फर्स्ट बाइट लिया, फर्स्ट टाइम खाया है, तो 2 घंटे में अगर इनफ टॉक्सिन इनके अंदर गया तो ये 2 घंटे में ये इंसेक्ट मर जाए। 2 घंटे में ये इंसेक्ट क्या करते हैं? इसको खाने का बंद कर देते हैं और 2-3 दिन में ये इंसेक्ट मर जाते हैं। अभी इसको क्या कहा गया है? इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल इंसेक्ट कंट्रोल एजेंट, ऐसा भी इसको कहा गया है, या फिर बायोलॉजिकल वेपन भी कहा जाता है। मीन्स जो इंसेक्ट है, बीटी जो इंसेक्ट है उनके लिए वेपन फॉर इंसेक्टिसाइड, ऐसा भी इसको कहा जाता है। अभी बीटी क्रिस्टल, इसको और एक नाम से जाना जाता है, इंसेक्टिसाइडल क्रिस्टल प्रोटीन, दैट इज ICP। ये आपका क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में, और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कौन सा प्रोटीन इससे निकल जाता है, तो क्राई प्रोटीन इससे निकाला जाता है। तो बीटी क्रिस्टल समटाइम्स रेफर्ड एज इंसेक्टिसाइडल क्रिस्टल प्रोटीन आर प्रोटीन क्रिस्टल फॉर्म ड्यूरिंग स्पोरुलेशन इन सम बीटी स्ट्रेन कोडेड बाय क्राई जीन। अभी ये बीटी कॉटन क्या है? तो बीटी कॉटन क्या है ये भी हम देखने वाले हैं। आपको यहाँ पे बता दूं बीटी कॉटन क्या है। तो बीटी कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी ऑफ कॉटन, जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी कॉटन की, दैट प्रोसेस एन इंसेक्टिसाइड। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें, यहाँ पे जो इंसेक्ट है ये इंसेक्ट क्या है, ये कॉटन के अंदर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो बीटी कॉटन वाला प्लांट है यहाँ पे आप देख सकते हो ये हेल्दी प्लांट यहाँ पे दिखाई देता है। तो बीटी कॉटन का जो कॉटन आ रहा है तो आप यहाँ पे इस स्लाइड में भी देख सकते हो फोटोग्राफी में, और यहाँ पे जो नॉर्मल है तो वो नॉर्मल में अगर इंसेक्ट ने इसके ऊपर अटैक कर लिया तो यहाँ पे जो ग्रोथ एंड ईल्ड होती है ये बहुत कम ईल्ड एंड ग्रोथ यहाँ पे दिखाई देती है, आप देख सकते हो इस स्लाइड में, इन फोटोग्राफी में। अभी जो क्राई प्रोटीन है उसकी मोड ऑफ एक्शन क्या है, या फिर इसको CRY भी प्रोटीन कहा जाता है, जो कि क्रिस्टल है इसलिए इसको CRY कहा जाता है। अभी ये जो क्राई प्रोटीन है ये इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन होता है, लेकिन जब भी क्राई प्रोटीन को खाते हैं इंसेक्ट तो ये मोर्टेलिटी, इट कॉजेस मोर्टेलिटी। अभी ये प्रोटॉक्सिन से एक्टिव टॉक्सिन कब होता है? तो प्रोटॉक्सिन होता है तो ये 130 किलो डाल्टन का होता है, और जब भी एक्टिव टॉक्सिन होता है तो इसका वेट होता है 68 किलो डाल्टन, इसको ही कहा जाता है डेल्टा एंडोटॉक्सिन। अभी ये एक्टिव होने के लिए या फिर इनसे किल होने के लिए क्या चाहिए? तो ये एक्टिव होने के लिए, ये अभी आपने देखा 130 किलो डाल्टन से 68 किलो डाल्टन हो गया। अभी इंसेक्ट का अगर अल्कलाइन पीएच होगा और ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो एक स्पेसिफिक प्रोटीजेस फॉर्म हो जाते हैं जो इंसेक्ट के गट में होते हैं, तो अल्टीमेटली इंसेक्ट कील हो जाता है या इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो द एक्टिव टॉक्सिन बाइंड टू प्रोटीन रिसेप्टर ऑन द इंसेक्ट गट इपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन।
The toxin forms spores in the insect gut. अब ये mode of action, जब भी insect ये BT cotton, समझो BT से BT cotton है, अभी insect ने first bite ले लिया, bite लेने के बाद 2 घंटे में इस insect इसको खाने का बंद कर देता है first bite के बाद, और जब भी बंद हो जाता है तो enough endotoxin अगर अंदर गया तो 2-3 दिन में insect की death हो जाती है। तो यहाँ पे आपको हमने बताया है क्राय प्रोटीन कब एक्टिवेट होता है, नॉर्मली 130 किलो डाल्टन का होता है जो प्रोटोटॉक्सिन होता है, ये 68 किलो डाल्टन जब होता है तो एक्टिव टॉक्सिन हो जाता है। और दूसरा, इसको एक्टिवेट करने के लिए स्लाइटली अल्कलाइन पीएच होना जरूरी है, जो दोनों चीजें दोनों इंसेक्ट के मीड गट में, इंसेक्ट के गट में होती है, तो आप ये वो एक्टिव हो जाता है। और ये क्या होता है, एक्टिव टॉक्सिन बाइंड टू प्रोटीन रिसेप्टर ऑन द इंसेक्ट गट एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन, और वहां से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक फोटोग्राफी से माध्यम से आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो प्लांट है, अभी यहाँ पे क्रिस्टल एंड स्पोर इंसेक्टेड बाय इंसेक्ट लार्वे, अभी ये इंसेक्ट है, इंसेक्ट ने ये क्या किया है, इसके स्पोर इंसेक्ट ने क्या किया है, इंजेस्ट किए। अभी जब भी इंजेस्ट करते हैं तो यहाँ पे गट एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं। अभी एंजाइम एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे एक एपिथेलियल जो हमने आपको बोला है एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द रिसेप्टर, रिसेप्टर को अभी बाइंड हो गए, रिसेप्टर को जैसे ही बाइंड होते हैं तो ये मेम्ब्रेन में जाते हैं, वहां पे लीकेज दिखाई देता है आयन एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स का। तो ये थोड़ी सी छोटी सी एक स्मॉल प्रोसेस है। अभी यहाँ पे इसके बाद क्या है, मिडगट मेम्ब्रेन डैमेज विच लीड्स टू स्टार्वेशन और सेप्टिसीमिया, जो कि डेथ या ब्लड पॉइजन जिसको सेप्टिसीमिया को कहा जाता है, तो यहाँ पे डेथ होती है। तो ये नॉर्मल एक छोटा सा साइकिल है, या फिर खाने के बाद ये कैसे एक्ट होता है यहाँ पे दिखाया है। अभी रिसेप्टर कौन से चाहिए, कैदरीन रिसेप्टर बीटी टॉक्सिन के लिए, तो पहले है कैदरीन रिसेप्टर, दूसरा है अल्कलाइन फॉस्फेटेज, तीसरा आता है ग्लाइको कॉन्जुगेट रिसेप्टर, चौथा आता है अमाइनो पेप्टिडेज, ये रिसेप्टर होते हैं। अभी बीटी वर्क्स कैसे करता है, तो एक एग्जांपल लिया है हमने कैटरपिलर का, तो एग्जाम्पल कैटरपिलर का एग्जाम्पल से आपको सीधा समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पे बीटी स्पोर्स है, अभी ये बीटी स्पोर्स ये क्या हुए है, ये जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट ने ये बीटी स्पोर्स यहाँ पे खा लिए, मींस इंसेक्ट ने इसको बाइट किया है बीटी को, तो स्पोर अंदर गए इंसेक्ट के गट में। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये नॉर्मल इंसेक्ट के, जो नॉर्मल होता है इंसेक्ट उसके गट के बैक्टीरिया आप देख सकते हो, लेकिन जब भी इंसेक्ट ये बीटी ईट करता है या फिर खाता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो बीटी क्रिस्टलाइन टॉक्सिन और ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं यहाँ पे, या फिर एक मैकेनिज्म कैसे यहाँ पे डेवलप होता है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है ये क्या है, कैटरपिलर कंज्यूम फॉलिएज ट्रीटेड विद बीटी, यहाँ पे कंज्यूम किया है। सेकंड स्टेप क्या बताती है, कुछ मिनट के बाद द टॉक्सिन बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर, जो कि पिछले स्लाइड में हमने देखा है कहाँ पे, इन द गट वॉल एंड द कैटरपिलर स्टॉप्स फीडिंग, यहाँ पे फीडिंग स्टॉप्स हो जाती है। तीसरा क्या है, विदिन हावर द गट वॉल ब्रेक डाउन अलोइंग स्पोर एंड नॉर्मल गट बैक्टीरिया टू इंटर द बॉडी कैविटी, द टॉक्सिन डिसॉल्व, ये तीसरी स्टेप, और 1-2 दिन में जो भी कैटरपिलर है या इंसेक्ट है उसकी डेथ हो जाती है। सिंपल मैकेनिज्म यहाँ पे आपको दिखाया है। अभी और एक पॉइंट हमेशा सामने आता है, यूज ऑफ TI प्लाज्मिड टू फॉर्म BT क्रॉप्स, तो ये कैसे यूज किया जाता है। अभी यार TI ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जिसको कहा जाता है वो है TI प्लाज्मिड। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस बैक्टीरियम, ओके, यहाँ पे ये जो है TI प्लाज्मिड है जिसकी ये छोटी सी रेस्ट्रिक्शन क्लीवेज साइट होती है और ये TDNA होता है। अभी द प्लाज्मिड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया, ओके, बैक्टीरिया से हमने रिमूव किया है एंड द TDNA इज कट बाय अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अभी आपको पता है type 1, type 2, type 3, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। type 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मेनली प्रेफरेबल किया जाता है क्योंकि वो सीक्वेंस जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमें type 1, type 2, type 3 है उसमें से type 2 जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, तो एक सीक्वेंस जो है उसको एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड करना, एग्जैक्ट सीक्वेंस है उसको आइडेंटिफाई करता है, एग्जैक्ट सीक्वेंस आइडेंटिफाई करता है इट मींस उसको वहां पे एग्जैक्ट साइट जो है उस साइट पे जाके ब्रेक करता है, तो ये टाइप 2 है।
अभी फॉरेन डीएनए यहाँ पे कट हुआ है बाय द सेम एंजाइम, सेम एंजाइम ने फॉरेन डीएनए कट किया। अभी यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट, दोनों का रिकॉम्बिनेंट टीआर प्लाज्मिड यहाँ पे बनाए हैं। द फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड इनटू टी डीएनए ऑफ द प्लाज्मिड। अभी द प्लाज्मिड इज री इंसर्टेड इनटू बैक्टीरिया, किस लिए? मल्टीप्लीकेशन पर्पज के लिए। अभी ये होस्ट में री एंटर किया है। द बैक्टीरियम इज यूज टू इंसर्ट द टी डी एन ए कैरिंग द फॉरेन जीन इन टू द क्रोमोजोम ऑफ ए प्लांट सेल। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो इंसर्टेड टी डी एन ए कैरिंग फॉरेन जीन। अभी यहाँ पे क्या है, द प्लांट सेल्स आर ग्रोन इन कल्चर। तो अभी हमारे पास वो बैक्टीरिया आ गया या टी डी एन ए आ गया, फॉरेन जीन डाल दिया है, अभी एक कल्चर ग्रो किया है। उसके बाद जो फाइनल स्टेज आती है, ए प्लांट इज जनरेटेड फ्रॉम अ सेल क्लोन, ऑल ऑफ इट सेल कैर द फॉरेन जीन एंड मेनी एक्सप्रेस इट एज अ न्यू ट्रेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज ऑफ टीआर प्लाज्मिड टू फॉर्म ए बीटी क्रॉप्स कैसे किया जाता है। अभी कुछ लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन होगा, तो बीटी के कौन कौन से क्रॉप अब तक बने हैं या कौन कौन से क्रॉप है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1995 में फर्स्ट बीटी क्रॉप आ गया तो यूएस में, ओके, वेयर सेवर लाइंस ऑफ कोलोरेंटो पोटेटो बीटल रेजिस्टेंट बीटी पोटेटो बाय मॉन्सेंटो ने बीटी पोटेटो डेवलप किया। उसके बाद 1995 में आप देख सकते हो यूरोपियन कॉर्न बोरर रेजिस्टेंस कॉर्न फॉर्म किया गया है। उसके बाद कॉटन आ गया है जो कि लेपिडोप्टेरन रेजिस्टेंट कॉटन है, इसके अगेंस्ट है, इसके ऊपर इफेक्ट करता है। फिर पोटैटो, कोलोराडो पोटैटो बीटल रेजिस्टेंट बीटी पोटैटो जो भी है। फिर सोयाबीन, बीटी सोयाबीन है। फिर टोमेटो है। तो ये ऐसे कुछ क्रॉप्स, ओके, बीटी कॉटन, सोयाबीन, टोमेटो, पोटैटो, ये कुछ क्रॉप्स है जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड हुए है टू प्रोड्यूस बीटी प्रोटीन। तो ये है बीटी क्रॉप्स के बारे में। सिंपल आपको फंडा बता देता हूँ, सिंपल बीटी, बी स्टैंड्स फॉर बेसिलस, टी स्टैंड्स फॉर थुरिंजेंसिस, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें ककराय प्रोटीन होते हैं सी आर वाई, जो कि क्रिस्टल प्रोटीन कहा जाता है। अभी ये जनरली 130 किलो डाल्टन के होते हैं, प्रोटोटॉक्सिन जिसको हम कहते हैं। अगर इसको एक्टिव टॉक्सिन करना है तो 68 किलो डाल्टन के फॉर्म हो जाता है। ये जब भी इंसेक्ट इसको बीटी क्रॉप को बाइट करता है, बाइट करने के बाद अगर इनफ टॉक्सिन इसके बॉडी में गया तो ये फीडिंग स्टॉप हो जाती है और 2 दिन में ये मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि वो एक्टिव टॉक्सिन फॉर्म हो गया। इंसेक्ट के गट का पीएच अल्कलाइन है, वहां पे जो गट का पीएच अल्कलाइन पीएच और जो एक्टिव टॉक्सिन है, ये दोनों वहां पे फॉर्म हो जाते हैं और जो भी इसकी सृष्टि में उसको ब्रेक किया जाता है, जो कि हमने आपको रिसेप्टर वगैरह सब कुछ बता दिया है। तो ये है सिंपल फंडा बीटी क्रॉप का, जो कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन था ये एक्ट कैसे होता है। कुछ लोगों ने हमें बताया भी था, इसके बारे में एक वीडियो लेक्चर बनाओ, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो। सिंपल फंडा हमने आपको बताया है। थैंक यू।